¿Qué creo de esto? ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲਟਕਿਓ ਬਾਬਾ ਵੋ ਇਹ ਬੁੜਬੜਿਆ ਨਾ ਖੇਤ ਤੂੰ हो ज्यादा ही रुपया लट क्यों बाबा वो ये बुड़बुड़िया ना खेत तू आटा भी लाटने देते हैं झगड़ा में लाएंगे तो ना उनको बांधे जाएंगे राजेश ने भेज देता नहीं तो नहीं उधर दिया पानी आओ से हवा आई थी पानी को ये पेड़ में आओ पास 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 दिया ही लोग तो खड़े हैं यहाँ किसको पकड़ना चाहिए यहाँ तो बने नहीं देते वो एक्सीडेंट भाई बोले वो लगे ही नहीं नीचे जा क्यों हाँ देखी ना कहाँ से पानी आ रहा हवा आ रही मालूम पड़ा जाए हवा हवा पानी आओ तो ऊपर चढ़े दे तो पानी आओ तो हाँ पानी तो ऊपर चढ़े दे हवा जो हाँ हवा गैस निकल वो कसो खाली बोर में की क्या वहाँ क्या हवा बाहर फेंको हाँ तो यहाँ जगह मिल ही गई तो वो पानी बोर मैं मोबाइल का वो चप्पल भी अलग है ना यहाँ बाहरी मार टाइगर खाएंगे मजा हो ज्यादा ही रुपया लट क्यों बाबा वो ये बुड़बुड़िया ना खेत तू आटा भी लाटने देते हैं झगड़ा में लाएंगे तो ना उनको बांधे जाएंगे राजेश ने भेज देता नहीं तो नहीं उधर दिया पानी आओ से हवा आई थी पानी को ये पेड़ में आओ पास 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 दिया ही लोग तो खड़े हैं यहाँ किसको पकड़ना चाहिए यहाँ तो बने नहीं वो एक्सीडेंट भाई बोले वो लगे ही नहीं नीचे जा क्यों हाँ देखी ना कहाँ से पानी आ रहा हवा आ रही मालूम पड़ा जाए हवा हवा पानी आओ तो ऊपर चढ़े दे तो पानी आओ तो हाँ पानी तो ऊपर चढ़े दे हवा जो हाँ हवा गैस निकल वो कसो खाली बोर में की क्या वहाँ क्या हवा बाहर फेंको हाँ तो यहाँ जगह मिल ही गई तो वो पानी बोर मैं मोबाइल का वो चप्पल भी अलग है ना यहाँ देख तो आप मजा आए देखना अपन ने देखा ही नहीं देखा छोड़ दो मैं मोबाइल छोड़ दे ऐसे बढ़ गए धीरे धीरे सब जो चलो तो भी क्या इसका कोई असर पड़ना है ये मतलब ये जो संबंध है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड इस प्रकार से हो रहा है संपृक्तता हुई जल भंडार की जिसमें सरदार सरोवर ही नहीं गोई है मान है जोबट है वहाँ यहाँ महेश्वर है तो ये सभी बांधों का जल भंडार का कितना दबाव धरती पर पड़ रहा है ये आप सोच लीजिए इसका कोई असर नहीं होगा ये कौन कहता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स तो सालों से आते रहे नर्मदा के बारे में आप डॉक्टर रामू श्रीवास्तव जी को भी पूछिए इंदौर के वो कहते हैं कि नर्मदा तो पूरे पृथ्वी के भी सेंटर्स में से एक है अगर यहाँ कोई बड़ा भूकंप आया तो दुनिया के कई हिस्सों में हादसे बैठेंगे
क्या चल रहा है भमोरी में अभी, ये भूकंप आना और इस टाइप की घटना? भमोरी में करीब अभी 9 तारीख से ऐसे भूकंप, या भूकंप कह सकते हैं या पता, हमको तो ये नहीं जानते कि भूकंप किसको कहते हैं, लेकिन अभी तक अपने देखा भी नहीं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि एक आवाज़ होती है जिसमें धरती कंपन न करती है पूरी। अच्छा। पूरी तरीके से हिलना, मतलब कुछ सेकंड के लिए, तो पूरे गांव में एकदम भय का माहौल है। लगभग कितने दिनों से चल रहा है ये पूरा? ये करीब 5-6 रोज। अच्छा, तो आवाज़ जोर से आती है? हाँ, एकदम जोर से आवाज़ आती है और एकदम कंपन टाइप होता है, तो ऐसा घरों से बाहर निकल जाते हैं सब पूरे लोग, और एकदम भय का माहौल है। और मैं ये प्रशासन से भी ये मांग करना चाहूँगा कि यहाँ पे आके कोई ऐसी चीज़ निकाले कि यार किसके कारण ये समस्या हो रही है। अब हम गाँव वालों तो कुछ जानते नहीं है इसके बारे में। भैया हमारे 9 तारीख से स्टार्ट हो गया भूकंप आना, 9:30 बजे और 10 बजे के बीच में आता था, और फिर 14 तारीख को दिन में आया और बहुत ज़बरदस्त झटके आए। कैसा अनुभव होता है जब भूकंप आता है उस समय? जैसे ज़मीन में वाइब्रेट होना। अच्छा। और इतना जोर, इतनी ज़ोर से वाइब्रेट होना कि अपन को डर लगने लग जाता है। अच्छा, ये जमीन का क्या आप बता रहे थे, जमीन में कुछ गेप है, बोरिंग करवाने पे पता चला? ना, हमारे यहाँ बोर करवाते तो 120 फीट के बाद में कम से कम 4 से 5 फुट की गेप आती है। अच्छा। उसमें कम से कम 20-25 बोर है, उसमें सब हवा पास होती और मटेरियल और पानी कहीं नहीं बाहर आता उसमें। अच्छा, कोई बता रहा था कि कुछ और कुओं में भी गेप है कि आदमी खड़ा हो जाए, इतनी कई गेप है बनी हुई? कुएँ में तो इतना नहीं, 1-2 कुएँ में है हालांकि, लेकिन बोर में होता हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब जमीन में गेप बनी हुई है? हाँ, 5 फीट की गेप है 120 फीट के बाद में। अच्छा, तो कितना एरिया होगा 120 फीट का स्टेट? कम से कम 70-80 एकड़ में जो भी बोर करवाते हैं, हर बोर में ऐसा ही होता है। ये गांव से लगा हुआ एरिया? हाँ, गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है। क्या नाम आपका? भागीरथ बड़ोले। किस पद पे हैं आप? सहायक सचिव। कहाँ पे? ग्राम पंचायत भमोरी में। ये आपके यहाँ पे जो भूकंप की जो आवाज़ें आना और ये सब बातें चल रही है, जन चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी, कम से कम 15-20 रोज से ये माहौल बना हुआ है। हर 1-2 रोज में रात में भी आते हैं झटके, और दिन में भी, अभी 13 तारीख को मैंने भी महसूस किया है, दिन में कम से कम 5-6 बार 6-7 बार झटके, मतलब कंपन में। अच्छा, गांव में किस टाइप का माहौल है इस बारे को? गांव में सब एक डरा सा माहौल बना हुआ है, और जब भी रात में भी आता है तो सब गांव के लोग घर से बाहर हो जाते हैं और सब डरने लग जाते हैं। अच्छा, इस बारे में आपने कोई वरिष्ठ अधिकारी को सूचना करी? जी, पटवारी जी को बताया था हमने। अच्छा। कि सर ऐसे हमारे यहाँ घटना हो रही है, तो उन्होंने बोले कि आप आवेदन दे दो तहसील में। अच्छा। तो आज आवेदन भी आप दे देंगे। अच्छा, तहसील के अलावा और किसी वरिष्ठ अधिकारी को? जी, उनको अभी तो नहीं किसी को बताया, सिर्फ तहसील में बताया पटवारी जी को। तहसील से पहले कहीं आपने सूचना करी थी इस बारे में? जी, जनपद में सीओ साहब को भी बताया। अच्छा, सीओ साहब का क्या कहना पड़ा? उन्होंने बताया, बोले कि तहसील में भी आवेदन कर दो बोले। अच्छा, आपके गांव के अलावा और कोई आइट साइड के गांव में इस तरीके की घटना? जी, साकड़ और सुराना, इधर बिलवा में। अच्छा। इधर के भी गांव के लोगों ने बताया था, फोन भी आया था मेरे पास भी। अच्छा, लगभग कितनी दूरी होगी साकड़ और सुराना आपके गांव से? साकड़ की है भमोरी से दूरी 2 किलोमीटर। अच्छा जी, और बिलवा की भी है 2 किलोमीटर। अच्छा, लगभग कितने परिवार रहते होंगे आपके गांव में? यहां है अपने 453। ये खुद मैंने फील किया, ये 9 तारीख और 10 तारीख नाइट को आया था। अच्छा। 9 तारीख करीब 9:30 बजे के आसपास 2 धमाके आए थे, मतलब ब्लास्ट हुआ था और वाइब्रेट हुआ था मकान, और उसके बाद 10 तारीख और हुआ था सेम 10 बजे के आसपास रात में, 11-12 को नहीं और 13 को दिन में कंटिन्यू हुए। तो लगभग कुल मिला के कितनी बार इस तरीके के झटके और आवाज़ें आने की बात हो रही है? जैसे गांव वाले बोल रहे, मैंने फील किया, मतलब दिन में 13 तारीख को 7 बार कंटिन्यू आया है। खेत में भी अलग अनुभव हुआ, गांव में भी लोगों ने फील किया, और 9-10 तारीख को तो आया रात में। तो उसके बाद से गांव में माहौल कैसा है अभी? सबको थोड़ा सा डाउट है क्या चीज़ है, क्या क्लियर नहीं है कि भूकंप बोल रहे हैं, सब चीज़ें वाइब्रेट हो रहा है सबको, अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा डर का ही है इस टाइप की, अब आगे क्या होगा जब तक क्लियर नहीं होगी चीज़ क्या है ये। Thank you.
ऐसा कोई फिक्स समय दिन में या रात में कब आता है इस नहीं, रात में तो 9 और 10 तारीख को सेम टाइम पे आया, 9:30-10 बजे के समथिंग। अच्छा। पर 13 तारीख को दिन में करीब करीब आया था 7 बार, और अल्टरनेट 1 घंटे बाद आ रहा, कभी क्या आ रहा है इस टाइप से। 9 तारीख से कुछ हल्के झटके चले थे, उसके बाद 11 तारीख को रात को 9:55 पे, 8:55 पे मेरी मिसेस ने मेरे को उठाया कि झटके कुछ लग रहे हैं, और पूरा गांव इस चक्कर में पूरा दहशत में है, और सब बाहर जब भी हल्के से झटके आते हैं तो पूरा गांव बाहर हो जाता है, पब्लिक परेशान है। इसके लिए हमने सीओ को फ़ोन लगा दिया था, और उसके बाद पटवारी जी को भी फ़ोन लगा दिया है। अच्छा, कोई अधिकारी आए हैं मौके पर? अभी कोई अधिकारी नहीं आए हैं मौके पे। तो ऐसा कुछ बिलवा वालों ने बताया था मेरे को, शेखर बर्फा ने, इन्होंने कि यार इधर भी झटके लगे हैं, बेड़ीपुरा वाले भी 2-4 लोग बताए थे मेरे को कैसा हो रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।